स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक पोयम जिसका नाम है फॉग और इसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की पोयम फॉग को एक्सप्लेन करूंगा जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। इस पोयम में फॉग के बारे में बताया गया है। फॉग की तुलना की गई है बिल्ली से, किस तरह से बिल्ली दबे कदमों आती है, आने का भी पता नहीं चलता, कुछ देर ठहरती है और फिर आगे बढ़ जाती है, कुछ इसी तरह से फॉग का चित्रण किया गया है इस पोयम में। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट and sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। फॉग या कोहरा आता है, ठीक वैसे ही आता है जैसे कि छोटी बिल्ली अपने पैरों पे दबे कदमों से आती है। बिल्ली का आना या बिल्ली के पैरों की आवाज़ पता नहीं चलती, ठीक उसी तरह से कोहरा या फॉग भी दबे कदमों से आता है और उसका पता नहीं चलता और यह कहाँ पे आता है और फिर क्या कुछ करता है, ये आगे बताया गया है। इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चे, ये अपने कुल्हों पे शांति से बैठ जाता है। जैसे बिल्ली अपने कुल्हों पे बैठती है शांति से और फिर इधर उधर देखती है, भागती है कि उसको किस तरफ जाना है, ठीक उसी तरह से कोहरा आता है दबे कदमों से और बिल्ली की ही तरह बैठ जाता है और देखता है हार्बर को और सिटीज को। हार्बर मतलब समुद्र के तटीय क्षेत्र को कहते हैं, लैंड बिसाइड सी, जो लैंड या जो ज़मीन समुद्र के किनारे होती है उसको हम हार्बर कहते हैं। तो समुद्र की तरफ या समुद्र के किनारे की तरफ देखता है और शहरों की तरफ देखता है। फॉग तभी बनता है जब एयर वेपर डिकंडेंस होकर वाटर का फॉर्म ले लेती है तो फॉग बनता है। और वाटर वेपर ज़्यादा होता है समुद्र के किनारे क्योंकि वहाँ पे ही पानी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा फॉग बनता है हार्बर पर या समुद्र के किनारे। और फिर यह जब दिखता है तो अचानक ही दिखता है, यह कब आ गया इसका पता नहीं चलता, कुछ देर कोहरा ठहरता है हार्बर पर और सिटी जो नज़दीक के सिटीज या जो भी टाउन या गांव है वहां पर, उसके बाद फिर एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद फिर वह आगे की तरफ बढ़ जाता है। मतलब कुछ देर ठहरेगा फिर आगे के क्षेत्र गांव शहर कस्बे की तरफ कोहरा बढ़ता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब